संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो पंजाब हरियाणा दोनों के लिए चंडीगढ़ है, सो वेल इट्स कॉमन कैपिटल। संजीव जी बताएं क्या सवाल लेंगे। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो बीएससी के लिए है। ओके, बीएससी की आज न्यूज आई है जी बिजनेस पे कि एनएससी और बीएससी मर्ज हो रहे हैं जी, तो अभी इस पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बीएससी लिमिटेड पे आपका सवाल ले लेते हैं। 50 शेयर हैं, 1180 के भाव पड़ेगा शेयर के जी, ये हम क्योंकि इस समय सेठ साहब इस पे ज्यादा बताएंगे कि क्या कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन आया है, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की चीज रिटर्न में है तो उस पर, या फिर सीधा आप इस पर अगर कोई सलाह देना चाहे तो। जी विपिन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ ये न्यूज, ऑल्दो इट इज डूइंग द राउंड्स, देख लेते हैं आजकल में क्या हाउ कैसे अनफोल्ड करती है। लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका एक्चुअली रनअप स्टार्ट हुआ था 500 600 के लेवल पे। इनकी परचेज देखिए लगता है काफी ऊपर के भाव में इन्होंने लिया 1180 के लेवल्स पे। तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, आने वाले दिनों में हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक वन साइडेड रनअप हुआ स्टॉक में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेसमेंट, इसमें रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकता है, तो फिर उसमें घबराए मत। मेरे ख्याल से इन्होंने कहा इन्होंने 1180 के लेवल्स पे अपना परचेज किया, तो 1130 1140 का स्टॉप करके चले, बिकॉज वन साइडेड रनअप हुआ तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर 1130 1140 डिफेंडेड रहते हैं तो मुझे लगता है इसमें आने वाले दिनों में हम 1300 1350 के नियर टर्म टारगेट्स देख सकते हैं। चलिए जी, तो बीएससी लिमिटेड पे सलाह कि 1130 का पहले तो स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि एक चांस है कि ये थोड़ा रिट्रैक्ट करे, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता है तो फिर 1300 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करके रखिए, ये सलाह दे रहे हैं यहाँ पर अमित जी, और आगे इसमें देखते हैं किस तरह से चीजें मूव करती हैं। और खबरों पर फिलहाल कोई स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशन पे इस समय की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीत झा साहब, राइट, मैं सही नाम ले रहा हूँ? संजीत जी हैं, गुवाहाटी से कॉल कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए क्या पूछेंगे। सर मेरा SJGN लिया हुआ है, 539 शेयर है, 63 के एवरेज से। ओके जी, और एक एरोप्लेक्स इंडस्ट्री लिया हुआ है, ये 200 शेयर है, 167 से लिया हुआ है। और तीसरा एक और है, एकॉन लिया हुआ है, एकॉन इंटरनेशनल, ये लिया हुआ है 124 के एवरेज। चलिए पहले दो पे तो बात कर लेते हैं। तो SJVN आपका है हमारे सामने, 500 शेयर है, 63 के भाव पर, एक एवरेजिंग भी आप जो बता रहे थे एवरेज भाव, लेकिन फिलहाल अगर लब्बुल वाब है तो वो है कि करीब करीब 1 रुपए का लॉस है आपको प्रति शेयर, तो क्या करना चाहिए इसमें, पहले सलाह ये लेंगे। जी अगर हम SJVN का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे भी स्टॉक एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है, बट जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है इन्होंने थोड़ी लेट एंट्री यहाँ पे की है, बिकॉज ट्रेंड ऑलरेडी काफी मैच्योर हो चुका हुआ है। काफी शार्प रनअप इसमें स्टॉक में हमने देखा है, तो अभी ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई वीकनेस है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपर के भाव में लिया, तो मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि 59 रुपीज 59 59 50 जब तक इंटैक्ट है अपनी पोजीशन होल्ड करें। अगर 59 59 50 अगर कोई कारणवश निकलता तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन, काफी स्ट्रेट रनअप इसमें हुआ है, तो रिट्रेसमेंट आने के हमेशा चांसेस रहते हैं स्टॉक में। जी ठीक है, तो क्या सर क्या बोले, होल्ड करके रखें फिलहाल? जी होल्ड करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 59.50। चलिए 59.50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। दूसरा था एरोफ्लेक्स के बारे में, इन्होंने सवाल पूछा था। जी मैं निकाल लेता हूं। एरोफ्लेक्स में तो ट्रेडिंग ही काफी कम दिखा रही है, डेटा बहुत कम है मेरे ख्याल से। व्हेन वाज इट लिस्टेड, इनसे जरा पूछिए। जी लिस्टिंग कब हुई थी सर, कुछ अगर आप बता पाए। हाँ जी, इसका रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, 2-3 दिन पहले हुआ है, ज्यादा दिन हुआ है। ओके, पहले लिस्टिंग हुआ है एरोफ्लेक्स में। ठीक है, देखिए तो इसमें खाली 3-4 बार का डेटा तो बहुत डिफिकल्ट है अभी कोई राय देना, कोई टेक्निकली स्ट्रक्चर बना नहीं है इसमें। नहीं ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन SJVN पे यहाँ सलाह आपको मिल गई 59.50 के स्टॉप लॉस के साथ, होल्ड कीजिए संजीत जी। और डर थोड़ा सा यहाँ भी वही कि इसका भी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन जैसा कह रहे हैं अमित जी की रहती नहीं कभी, तो वही चीज को ध्यान में रखें, इसको स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिएगा। चलिए हमारे साथ अब है राकेश जी, जो कि बंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं, और इनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर। डिटेल्स बताइए राकेश जी। मेरे पास सर 1000 शेयर है 300 पे, और वेदांता के भी 1000 शेयर है 303 पे। ठीक है, और व्यू लॉन्ग टर्म है, बट पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मैं जानना चाह रहा था कि यही रखें या कहीं और भी लगा सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक पे पहले बात कर लेते हैं, 1000 शेयर 300 के भाव पर तो बढ़िया है जी, किस रुपए का पर शेयर फायदा है, क्या इसमें सलाह रहेगी? जी इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है हिंदुस्तान जिंक का, हम देखें वीकली चार्ट पे हायर हाई लोस बन रहे हैं, तो ट्रेंड इसमें इंटैक्ट है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आज के सत्र में हमने जरूर देखा, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जब तक 310 के भाव इंटैक्ट है इसमें बने रहे, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इसमें हाई लेवल्स हम जरूर देखेंगे, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड मेरे ख्याल से इन्होंने वेदांता कहा ना? हाँ जी, सेकंड इन्होंने वेदांता कहा, जरा बता सकते हैं आपका परचेज प्राइस? 300 आई थिंक 300 के भाव पे बोले थे सर राकेश जी, 303 जी 303, तो अच्छे खासे लॉस में ये बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि वेदांता का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली चार्ट्स में देखें तो लगभग 230 के आसपास आता है। अगर 230 कोई भी वैसे स्टॉक इन लेवल्स में अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर 230 टूटता है तो इसमें और ज्यादा प्रोलॉन्ग सेलिंग आएगी, तो 230 अगर टूटे तो एकदम निकल जाइए, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप इतने लॉस में बैठे, मैं लॉस बुक करने को आपको नहीं कहूंगा, 230 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है पुल बैक इसमें आ सकता है, जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से आज इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिकवर किया, नियर टर्म में 300 कहना तो बहुत मुश्किल है, इमीडिएटली आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे लगता है इस रिट्रेसमेंट में 255 से 260 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन 230 मेक और ब्रेक लेवल है। चलिए तो वेदांता आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी की चीजें नोट कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में तो आप प्रॉफिट में थे, लेकिन यहां पर आपका भाव काफी ऊपर है, जो मौजूदा भाव है अच्छा खासा नुकसान है, और क्योंकि अमित जी को बहुत स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, 230 के लेवल आपके लिए अहम होंगे, तो वहां स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बहुत गया तो 255 260 के लेवल दिखा सकता है, वहां पर एक निर्णय ले लीजिएगा कि क्या वहां से निकल जाना है इस लेवल पर, ताकि आपका नुकसान की एक हद तक भरपाई हो जाए, क्योंकि आगे कोई इसमें 300 के पार वाले लेवल फिलहाल के लिए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बहुत लंबा होराइजन रखते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन 230 याद रखिए और 255 260 ये दो फिगर याद रखिए वेदांता के लिए। राइट, अगला सवाल दिशा जैन का है, आगरा से हमें कॉल करिए, दिशा जी क्या सवाल होगा आपका? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सर, आई हैव L&T फाइनेंस होल्डिंग्स 3500 @130।
अच्छा जी, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और यहाँ पर है प्रति शेयर ₹2.15 का नुकसान, क्या सलाह होगी सर इसमें? नहीं, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहे, वीकली चार्ट्स में भी ब्रेकआउट है, हमने रिसेंटली पुलबैक देखा था लगभग 118-119 के लेवल पे और उसके बाद स्टॉक 130 के लेवल जिसने टच किया, तो इसमें आप बने रहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, मुझे लगता है कि आपका पोजिशनल और लॉन्ग टर्म व्यू है, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, आई थिंक दिस स्टॉक जैसा इसका स्ट्रक्चर लग रहा है ये आपके लिए एक रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा। चलिए जी, तो बने रहिए, 120 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और जैसा कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है अमित जी को और एक रिवॉर्डिंग आपका जो इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी बात है, 120 की फिगर नोट कीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के शेयर को साइड में रख दीजिए। राइट, दिशा जी के लिए बात हो गई, अब हमारे साथ प्रमोद भाटिया साहब नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। भाटिया साहब, आपके शहर में तो G20 समिट होने वाला है एक दो दिन बाद ही, तो अच्छी रौनक है शहर के अंदर, लेकिन यहाँ बताइए आपने क्या खरीदा और क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैंने 240 शेयर खरीदे हैं यूनाइटेड स्पिरिट 1022 पे। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं सर इसको? देख लेते हैं जी, बढ़िया है, फिलहाल तो आप ₹36 से ज्यादा के प्रॉफिट पे हो, 240 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये बढ़िया है, तो क्या करना चाहिए अमित जी? यूनाइटेड स्पिरिट फिलहाल तो फायदे का सौदा है इनके लिए ₹36 प्रति शेयर पर, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना उतना फायदेमंद होगा? जी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म करना, होल्ड करना डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा, फिलहाल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टॉक 52 वीक हाई पे है, इनफैक्ट ऑल टाइम नियर रिसेंट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा, एक फ्रेश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमने देखा आज के सत्र में विद गुड वॉल्यूम्स, वीकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले सत्र में डेफिनेटली 1100-1150 के टारगेट्स भी देख सकते हैं, उसके बाद फिर एक असेसमेंट कर लेंगे आप, लेकिन इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लगभग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं कह रहा हूं, ₹1000 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। चलिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है प्रमोद जी, ₹1000 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले एहतियातन, लेकिन 1150 तक के लेवल आगे यहां देखने को मिल सकते हैं, तो अभी रखिए, होल्ड कीजिए इत्मीनान के साथ 1000 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे है हमारे साथ अमित कालरा जी, जो कि हमें एक बार फिर चंडीगढ़ से फोन आ रहा है, काफी फोन है चंडीगढ़ से, कालरा जी बहुत स्वागत है आपका, कहां कहां इन्वेस्ट किया है, क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरा दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक अडानी विल्मर में है एट द रेट ऑफ 500 और मेरे पास 300 क्वांटिटी है। ओके जी, अडानी विल्मर, लेकिन यहां आपको थोड़ा नुकसान, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, दूसरा क्या है आपका? और दूसरा आरती इंडस्ट्रीज है 650 पे, उस पे 150 क्वांटिटी है, तो मैं को इसको अगले 6 से 1 साल में होल्ड कर सकता हूँ, अडानी विल्मर और आरती इंडस्ट्रीज। चलिए बढ़िया है, लेकिन दोनों फिलहाल तो जो आपका दाम है वो लाल रंग में दिख रहा है। चलिए पहले अडानी विल्मर की बात कर लेते हैं, 300-500 पर आपकी खरीदारी है, शेयर्स की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर नुकसान है, करीब करीब 150 के आसपास पहुंच गया धीरे धीरे, क्या करना चाहिए सर इसमें? कहते हैं कि मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। देखिए फिलहाल तो हम तो टेक्निकली बता सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका वीक है, रीजन है ये सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली लोअर है, लोअर हाइज बना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि 330-335 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इनका कॉस्ट काफी हाई है, 300-340 के लेवल से होल्ड करके रखे, लॉस नहीं कहता बुक करने का, थोड़ा वेट करें, आई थिंक स्टॉक विल नीड सम मोर टाइम, सम मोर कंसोलिडेशन, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 500 काफी आगे का टारगेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, स्लो एंड स्टडी चलिए, बट खाली नजर रखे 330 के लेवल पे, वो टूटता तो फिर प्रॉब्लम यहां पे बढ़ सकती है, तो पेशेंट वेट करें। जी तो अमित जी, ये तो आप नोट कीजिए अमित जी कि 330 वाला, क्योंकि वाकई आपने बहुत ऊपर खरीदा 500 पर, तो अब 330 आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर होगा, वहां से नीचे गया तो आपका लॉस और बढ़ेगा बुरी तरीके से, तब एक बार बेचने का कॉल लेंगे, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसा कह रहे हैं अमित जी कि वो ना तो नहीं कर रहे इसके लिए, लेकिन कितना समय, क्या कब टारगेट मिलेगा, बहुत मुश्किल है कहना, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, आपने कहा 6 महीने हैं, तो रख के देखिए क्या दिक्कत है 330 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला है आरती इंडस्ट्रीज, वहां पर भी हमारे कलर साहब को थोड़ा नुकसान ही हो रहा है, तो उस पर भी सलाह लेते हैं कि क्या करना है, तो इनके पास 650 की खरीदारी है, देखिए यहां भी ₹134 प्रति शेयर का नुकसान है, क्या करेंगे सर इसमें? जी मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज में इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक डेफिनेटली रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं चार्ट में, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और उसके बाद हमने एक शार्प मूव देखा 450 के लेवल से लगभग 515 के लेवल आ गया इसमें, तो यहाँ बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 490 और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक राइज करेगा और मे बी इनका जो लॉस है वो कवर हो जाएगा इसमें। चलिए कहीं तो राहत की बात है, तो आरती इंडस्ट्री में थोड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है अमित जी को और 490 का स्टॉप लॉस लगाइए, आगे उम्मीद करते हैं कि जितना आप कह रहे हैं आप होल्ड कर सकते हैं, तब तक आपके होल्डिंग टाइम में आपके लेवल्स मिल सकते हैं और कम से कम यहां आपका घाटा पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस का फिगर याद रखिए 490 पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए फिलहाल। इसी सलाह के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और सलाह कल के लिए आपकी तैयारी को और पुख्ता करेंगे, थोड़ा सा सवाल हम करा रहे हैं कल के बाजार के लिए, आपकी पुख्ता तैयारी साथ में ले रहे हैं अपने दर्शकों के सवाल ताकि वो अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाए। तो अब हमारी अगली कॉलर है कालिंदी दमानिया, हमें मुंबई से कॉल कर रही है, कालिंदी जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? मेरा सीमेंट मैंने 53,850 में लिया था और 2-3 महीना होल्ड कर सकती हूँ, तो क्या भाव से मैं सेल करूँ सर? 53,000 मतलब 3,850 राइट मैम? सॉरी, ठीक है ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है 3,850 में आपने लिया और 50 शेयर, देखिए बढ़िया, आपको करीब करीब 94-95 रुपए का फायदा हो रहा है मैम, अच्छी रही आपकी ये डील, आप करना क्या है, कैसे होल्ड करेंगी ताकि आगे और फायदा बढ़े या यहाँ फायदा कमाने का वक्त है, क्या सलाह रहेगी मैं जिनके लिए? जी काफी बेहतरीन और काफी क्वालिटी स्टॉक इन्होंने लिया तो इसके लिए बधाई, और स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि एकदम ही बने रहना चाहिए, आज भी हमने इसमें फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट देखा है, बने रहे स्टॉक में, इसमें 4200-4300 तक के भी टारगेट्स आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तो बधाई हो कालिंदी मैम, 4200 के भी टारगेट्स सर यहाँ उम्मीद कर रहे हैं और अभी तो ये मतलब 3944 पर ही है, तो बहुत बढ़िया, अभी काफी आगे इसे जाना है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है, आपका प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारी शुभकामनाएं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे फटाफट, आशुतोष झा बरेली से कॉल कर रहे हैं, आशुतोष जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरे पास फेडरल बैंक के 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 48। ओके, एक्चुअली मैंने जब इनको एक्युमुलेट करना शुरू किया था तब ये अराउंड 80 पे था, बट धीरे धीरे मैंने कोविड में क्रैश में एवरेज डाउन करते करते प्राइस को 48 पे लाया। चलिए तो बहुत खुशी की बात है कि हाँ जी हाँ जी, तो लगभग 3 साल हो गया, तो अभी HDFC बैंक का वैल्यूएशन काफी ठीक लग रहा है, वो मूवमेंट आया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमें स्विच करूँ। ओके ठीक है, 1000 शेयर 48 के भाव पे पर शेयर करीब 96 रुपए का प्रॉफिट, और आप पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ से प्रॉफिट बुक करके HDFC की तरफ जाया जाए अमित जी?
नहीं, मैं कहूंगा यहाँ पे एक हमने फ्रेश ब्रेकआउट देखा वीकली चार्ट में, लगभग 139 के लेवल्स पे काफी वैलिड ब्रेकआउट है और यहाँ पे फ्रेश मूव मुझे लगता है अनफोल्ड होगा। स्ट्रक्चर बोर्ड डेली और वीकली में पॉजिटिव है, पोजिशनल गेन्स अच्छे खासे यहाँ पे हो सकते हैं। एक 133 जो इसका लास्ट विंडो है उसके सपोर्ट के साथ, उसके स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई अदर बैंक एचडीएफसी बैंक आर नॉट परफॉर्मिंग, एक आउट परफॉर्मर रहा है तो इसमें बने, एक आउट परफॉर्मर के साथ हमें बने रहना चाहिए आने वाले दिनों में। इसमें भी लगता है, मुझे लगता है कि इनका इन्वेस्टमेंट रिवॉर्डिंग होगा, अच्छे ऊपर के लेवल्स नजर आएंगे। चलिए तो जैसा बहुत बताइए आपको, बने रहिए यहाँ पर 133 के स्टॉप लॉस के साथ और अभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं, संभाल के रखिए अपने फेडरल बैंक को और आगे बढ़िया लेवल्स की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर अमित जी। तो फिलहाल तो यहाँ से निकलने की कोई सलाह नहीं, स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे एहतियात के तौर पर 133 रुपए का। राइट, चलिए आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर है विपिन शर्मा जी, नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। विपिन जी बहुत स्वागत है, जुबिलेंट इंग्रीविया है आपके पास, हमें रेट बताएं और कितनी क्वांटिटी है वो भी। हाँ जी सर, मेरे पास 200 शेयर्स हैं और रेट था 644 जब मैंने खरीदे थे। ओ, थोड़ा ऊंचा लिया आपने जी, ठीक है, इसीलिए आपको 134 रुपए का लॉस है इस समय। राइट, तो करना क्या है इसमें, क्या ये घाटा कवर होगा या फिर लॉस बुक करना पड़ेगा? अमित जी हमें बताएंगे। अमित जी, जुबिलेंट इंग्रीविया थोड़ा ऊपर ले लिया इन्होंने, आप क्या करें? जी विपिन जी, यहाँ पे हम देखे थे स्टॉक में एक प्रोलॉन्ग करेक्शन देखा था, उसके बाद स्टॉक ने नीचे के लेवल्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट इंटैक्ट है। 480 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लगभग इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 555-560 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस लेवल्स इंटैक्ट रहते तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो लेवल्स हम देख सकते हैं और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़े थोड़ा अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते रहे ताकि इनका इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहे। चलिए तो 480 का तो फॉरन लगाइए स्टॉप लॉस और धीरे धीरे उसको अपसाइड मूव कीजिए, उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो लॉस है वो रिकवर होता हुआ नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ ये स्टॉप लॉस 480 का लगाकर आप होल्ड कीजिए। चलिए सवाल थोड़े और भी रहते हैं रोज, लेकिन क्या करें समय का तकाजा रहता है, इसलिए इजाजत लेनी होगी कल।